फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स लाइफ। आज हम जानेंगे क्लब फैक्ट्री से मैंने जो खरीदा है थोड़े बहुत इयररिंग्स कलेक्शन। देखिए फ्रेंड्स, कई बार होता है हम जो ऑनलाइन में देखते हैं तो हमें आइडिया नहीं होता कि वो कितना साइज का आएगा। कई बार देखिए हमारे एक्सपेक्टेशन से बड़ा साइज आ जाता है, कई बार छोटा आ जाता है, तो डिसअपॉइंटमेंट तो होती है ना। तो मैं आप लोगों को आज मैं थोड़े से जो बाहर क्लब फैक्ट्री से खरीदा है वो वाले इयर रिंग्स शेयर करूंगी। इससे पहले भी मैंने आपको बोला था मेरे वीडियो में, जो नेक पीसेस के कलेक्शन के वीडियो में, मैं आपको नीचे एंड स्क्रीन में डाल दूंगी, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। उसमें मैंने बताया था कि रिटर्न्स का थोड़ा लफड़ा ही है फ्रेंड्स। जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट से आप ले लेंगे तो आपको रिटर्न्स के ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन क्लब फैक्ट्री में जो है, क्योंकि शिपिंग चार्ज बहुत होता है, तो आप अगर रिटर्न करने जाओगे तो आपको बहुत कम अमाउंट मिलता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट, और अगर रिटर्न करना ही पड़े तो आप या तो रख लीजिए या फिर किसी को गिफ्ट दे दीजिए, दैट इज बेटर आई थिंक। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि कौन से मेरे कलेक्शन। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट मैं शेयर करना चाहती हूँ ये वाले पर्ल्स के, जो मैंने क्लब फैक्ट्री से लिए, एंड रेट प्राइस वाज वेरी वेरी रीजनेबल। मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिए। मैंने सोचा था इस प्राइस रेंज में पता नहीं कैसे होंगे, इसका क्वालिटी कैसा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, मैं बहुत अच्छा है। मैं काफी दिन हो गया इसको लेकर भी, इसका ना कलर गया है और पर्ल्स का जो शाइन है, क्वालिटी है, बहुत ही बढ़िया है आई मस्ट से। सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। और ये देखिए, सिर्फ आप एक नॉर्मल सा प्लेन कुर्ती पे या कुछ नेक पीस नहीं भी डालेंगे तो दिस इज गोइंग टू बी इनफ, मोर देन इनफ। ठीक है, ये है मेरा पहला। एंड ये नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये ब्लैक क्रिस्टल्स का हैंगिंग्स, जो फ्रेंड्स अपने वेस्टर्न वेयर के साथ भी, इंडियन ट्रेडिशनल वेयर के साथ भी एकदम चलेगा। आप देख सकते हैं इनका शाइन। मैंने इनको मंगवाया था समवेयर 185, बहुत ही प्राइस रेंज तो ऑलमोस्ट सभी 200 के नीचे या फिर 200 के थोड़ा सा ऊपर है फ्रेंड्स। इतने अच्छे लगते हैं ये, देखिए डल गोल्ड होने की वजह से ज्यादा जैजी भी नहीं लगते। और मेरा हाइट है कम है, मेरा छोटा सा हाइट है, तो देखिए ऐसे इयर रिंग्स भी मेरे लिए बहुत ही लंबे लगते हैं। कैन यू सी, ऐसे रहते हैं। तो आप किसी भी वेस्टर्न के साथ और इंडियन ट्रेडिशनल आउटफिट्स के साथ भी इसको मैच कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। आई वुड सजेस्ट टू गो फॉर इट। चलिए फ्रेंड्स, अभी हम तीसरे इयर रिंग पे आ जाते हैं। देखिए ये वाला ना ऐसा कुछ है जो बटरफ्लाई जैसा बना हुआ है और बहुत ही इसमें पूरे स्टोन स्टडेड है। तो इसमें मेरे को एक प्रॉब्लम हो गया था ना फ्रेंड्स, मैंने सोचा काफी बड़ा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ऑर्डर प्लेस कर लिया, बट आई रिसीव्ड ओनली वन पीस। ओके, ये शायद ईयर कफ है, ये आप जरूर चेक कर लीजिए जब भी आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। ये इयर रिंग्स के इसमें ही आता है कैटेगरी में, तो हम लोग यूजुअली मिस्टेक कर लेते हैं कि ये दो होंगे, मैंने भी ऐसे किया था, लेकिन ये दो नहीं है, ये ईयर कफ्स है। जैसे मान लीजिए आप कई बार गर्ल्स हेयर लीव करते हो, एक साइड में डालते हैं, एक साइड दिखता है ना, तो एक ही साइड दिखने के लिए है ये, दिस इज ईयर कफ। देखिए ऐसे क्लैंप्स लगे हुए हैं इसके, इसको कोई स्क्रू वैसा भी नहीं है, देखिए ऐसे क्लैंप्स है, जस्ट आपको ईयर पे रख के ऐसे प्रेस कर देना है। देखिए ये मेरे ख्याल से इस तरफ है, तो आप ऐसे क्लैंप कर देंगे बस। ऐसे क्लैंप कर देंगे पास में रख के, तो ये कुछ ऐसा दिखता है फ्रेंड्स। तो ये एक ही पीस मिलता है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैं इसलिए शेयर कर रही हूं क्योंकि आप लोगों को मेरे जैसा प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो फ्रेंड्स उसी कैटेगरी का ये भी एक इयर रिंग है स्टड की तरह, देखिए ये वाला। तो मैंने सोचा ये पहले एक मिस्टेक होने के बावजूद आई वॉज वेरी रेकलेस और मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया। मैंने सोचा 250 भी नहीं यार, दोनों मिलके 250 आए शायद, थोड़े से
नॉर्मल सा ही रेंज था, तो मैंने सोचा ऐसे में दो आएंगे तो मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगा। जब मैंने इसको ऑर्डर किया ना फ्रेंड्स, तो मुझे एक ही मिला, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा। ये ना रेगुलर आप ऑफिस वेयर के लिए, वैसे भी पहनने के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इनके डिजाइन्स और क्वालिटी इतना अच्छा है ना फ्रेंड्स की A1। और ये मैं मंगवा के भी काफी दिन हो गया है तो ये इंटैक्ट है, इसीलिए मैं ऐसे ही आपके साथ शेयर करती हूँ, जो आप रिग्रेट नहीं करेंगे खरीद के। ओके, ये मैंने फिर से एक पीस मंगवाया, लेकिन आप ध्यान रखिए अगर इसको आपने फोटो में कहीं देख लिया तो ये एक पीस ही मिलता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे ये वाला, देखिए ये कितना स्लीक इंट्रिकेट है। ये इसका इसका देखिए ज्यादा गोल्ड ज्यादा भी नहीं है, ये रोज गोल्ड की तरह एकदम सटल गोल्ड कलर है, जो चीप नहीं दिखता बिल्कुल भी। इसका इसका भी एक यूनिक डिजाइन लगा मुझे, जिनको लंबे लंबे डेलिकेट हैंगिंग्स पसंद है उनके लिए। तो देखिए इसका ऐसे एक ये निकलता है ना, इसका ये भी खासियत मुझे बहुत अच्छा लगा है फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने पिक्चर में देखा था तो मुझे इतना आइडिया नहीं था ये कितना बड़ा होगा क्या है। तो जब ये आया, रिसीव हुआ ना, आई वॉज सो हैप्पी। देखिए ये ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकल जाता है। ये ऊपर का स्टड है, आप देख पा रहे हैं स्टार्स बने हुए हैं कितने अच्छे से। तो मुझे पता नहीं था इसका रखने का तरीका ये है ना फ्रेंड्स, आप पहले स्टड को डालेंगे, पीछे से इसको डालेंगे। देखिए मैं चलिए फ्रेंड्स, इसको ना आप ऐसे जस्ट ऑफिस वेयर के लिए भी टॉप्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टार्स बने हुए बहुत ही क्यूट से, आप पहले इसको डाल देंगे, इसमें डाल के इसको ना आप पीछे से डालेंगे। पीछे से डाल के आप स्क्रू लगा लेना है, देखिए इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो मेरे मेरे हाइट के हिसाब से ये इतने लंबे हैं, तो अगर आप और भी टॉल फिगर है तो शायद आपको थोड़ा शॉर्ट लगेगा, लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको ऐसे नहीं पहनना है, आप सिर्फ टॉप की तरह भी पहन के ऑफिस वेयर के लिए जा सकते हैं। आई थिंक दिस इज द वन आई लाइक द मोस्ट, क्योंकि ये बहुत ही स्लीक है और बहुत एलिगेंट लगता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इस टाइप का, इसको क्या ग्रीन बोलते हैं भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक टर्कोइज ब्लू तो नहीं है, सम ग्रीनिश टाइप है, सी ग्रीन काइंड ऑफ ना। ये भी देखिए इतने स्लीक और लॉन्ग है कि इसको आप अगर वेस्टर्न वेयर्स के साथ टीम अप करेंगे, गाउन्स के साथ वगैरह, फिर आपको कोई नेक पीस डालने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, ये इतने लंबे हैं। ठीक है, तो ये है, क्योंकि मैं आपको एक आइडिया के लिए दिखा रही हूं ना, कि कई बार ना फ्रेंड्स हम लोग जो पिक में देखते हैं तो समझ में नहीं आता कि कितना बड़ा है, कैसा लगेगा, क्या है। अगर आपके पास ऐसे कोई ड्रेस है, अगर कॉन्ट्रास्ट में आप डालना चाहते हो, ब्लैक के साथ तो सुपर्ब लगता है, ब्लैक कुर्ती के साथ या फिर ब्लैक शर्ट के साथ, वेस्टर्न्स के साथ भी ये बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आप देख लीजिए, अगर आपने क्लब फैक्ट्री में कभी इसको देखा होगा तो बिना झिझक आप खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका क्वालिटी और ये बीड्स का भी ना इतना मस्त है ना फ्रेंड्स, कि दे रियली लुक वेरी एलिगेंट। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको यहाँ पर फोटो भी दे दूंगी उस चीज का। तो उसमें था ये, दिस वॉज लाइक सेट ऑफ थ्री रिंग्स हो गए, रिंग्स हो गए ऐसे छोटे से, और ये थ्री साइजेस के हैं फ्रेंड्स। देखिए एक ऐसा वाला मिला इतना का है, ये इतना सा छोटा सा है, और इसका इसका डिजाइन है ऐसे, एंड द थर्ड वन वाज लाइक दिस, इतना बड़ा है, एक स्मॉल साइज हुप्स है। तो ये जब मैंने पिक में देखा था, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी वेरी टाइनी, बहुत छोटा सा मुझे चाहिए था, तो मैं ऐसे समझ के इसको खरीद लिया। लेकिन जब मैंने मुझे रिसीव हुआ तो बाप रे ये तो इतना बड़ा है, बट देन इट लुक्स वेरी नाइस। तो आपको एक आइडिया के लिए, अगर आपने ऐसे कोई चीजें ऑनलाइन पे देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसका ऐसा रहता है।
और ये सेट तो वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा है फ्रेंड्स, आप जरूर यू कैन गो फॉर दिस, क्योंकि ये ना डेली वेयर के लिए भी अच्छे हैं। मैं रेगुलर यूज कर रही हूँ, इसका कलर नहीं जा रहा कुछ नहीं, दे लुक वेरी नाइस। लाइक कहीं भी आप जस्ट छोटा सा यहाँ वहाँ घर के पास में रहना है, कहीं यहाँ छोटे छोटे जगहों पे जाना है, जैसे शॉप्स में हो गए, इसमें हो गए, तो आप आराम से रेगुलर वेयर के लिए भी बहुत अच्छा है। ये साइज है और ये इसका डिजाइन ऐसा है। ओके, देन नेक्स्ट कम्स नेक्स्ट, ये हो गया, ये देखिए वो तो प्रेसिंग टाइप था, ये क्लैंप जैसा आ गया। ये इतने साइज का है। ओके, एंड द थर्ड साइज इज, ये थोड़ा ब्रॉड सा भी है, देखिए ये एकदम स्लीक है। इस साइज का, क्योंकि आप जब पिक्चर में देखते हो ना फ्रेंड्स, तो समझ में नहीं आता, आई थॉट दिस, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस टू बी वेरी बिग, लेकिन ये ज्यादा नहीं है, स्मॉल भी नहीं कर सकते, मीडियम काइंड ऑफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, दिस इज ममता सेइंग बाय बाय।